और क्या वाला कॉफी और सबसे पहले तो मुझे रॉनी कॉफी को तो ही रह जाए। क्या राज है इस मोदरी टीम का, लगातार एक दो नहीं चौका जीत का चौका लगाने में कामयाब रहे। ये तो चार साल जीत लगातार तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाया था, अपने दौर में टीम जरूर किया लेकिन क्या नहीं कर पाया, क्या कारण है? सब प्लेयर अच्छा खेलता है इसलिए हम लोग जीतते हैं। चलिए पहले बहुत बहुत बधाई भी, और सब खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड भी है, टीम डिसिप्लिन में जिस तरह से आपका प्रदर्शन होता है, क्या कोई और खास वजह भी हो सकती है? जी कुछ नहीं, डिसिप्लिन सबसे बड़ा चीज है और वो हमारी टीम में बहुत अच्छी है, इसलिए आज चार चार बार हम लोग जीते हैं। चलिए बहुत अनुभव कैसा रहा लगातार पहले से लेकर अभी तक आपने सम्मानित भी किया अपने पिताजी के हाथों से, दो दो उम्र दराज व्यक्ति जो मैच देखने के लिए आए, लगातार कप्तानी करना एक दो नहीं चार चार पांच पांच टूर्नामेंटों में, ये अनुभव क्या आगे भी जारी रहेगा ये कप्तानी और इस तरह का खेल? जी नहीं, ये कप्तानी मेरा अंतिम था और आज हम रिटायर ले रहे हैं कप्तानी से। इसकी खबर मैं पहले दे चुका था, वो निशानी ही था और इन्होंने कह दिया था मुझे कि आज खेल से नहीं है वो कप्तानी सीखने वाली है, क्या आप क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं? प्रेशर होता है और इनके कप्तानी में टीम का अनुभव काफी मनोबल काफी ऊंचा रहा है। इन्हें सम्मानित करने के लिए आदरणीय श्री सुनील कुमार रॉय जी, गाँव पालिका अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में जिनके कार्यकाल में लगातार मोहतरी की टीम हारी रही है इस कप पर 31,000 और ट्रॉफी साथ में। शुभकांत पांडे जी अभी आगे आ जाइए, हाकिम साहब अभी आगे आ जाइए, और जिस तरह और हाकिम साहब, श्री कन्हैया मिश्रा जी, श्री सुनील कुमार राय जी, शुभकांत पांडे जी, कृष्णा जी और विवेकानंद जी, तमाम लोग जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली, अरे बजावा हो, बहुत ही लाजवाब। और इस वक्त समापन के तो फिलहाल इस वक्त देखा जाए तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी और इनको उनके पिताजी राम विवेक जी के पिता, क्या नाम है, इंदु यादव जी, बिंदु यादव जी, जिनको हर साल की भांति इस साल भी 5,000 रुपया मोहतरी टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जोरदार ताली हो जाए। शहीद राम विवेक के पिताजी हैं, ले लीजिए, अरे खुशी से आपको दिया जा रहा है और खुशी से दिया जा रहा है, रख लीजिए हर साल की तरह, और अच्छा चलिए रख लीजिए। और हर साल की भांति इस साल भी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो सो जाता ही हो जाए। और आज के सिलसिले में कहा जीता है, तमाम आज के महाकुंभ था वो समाप्त हो रहा है, 3 महीने का वक्त था और वो समाप्त हो रहा है। रनिंग कप है जो कि गांव पालिका में हमेशा विराजमान होते हैं जीतने के बाद भी, तो आइए अब कप्तान सांस छू रही है और आज उनसे बात भी हो जाए ब्रिज के साथ साथ, क्योंकि अब विनर कप्तान है, लेकिन जब ट्रॉफी लेने आएंगे तब पहले अभी जाने देते हैं। और शोभाकांत पांडे जी के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, विकेट मनीष के लिए पिछड़ गए, बहुत जबरदस्त टक्कर इन्होंने दिया। चलिए बॉलिंग एक्शन नहीं देखी थी भाई, बेस्ट फील्डर का अवार्ड देंगे तो आए नहीं तो राम ज्ञान चौधरी जी बड़े दूर चले गए, क्या बात है, ऐसा लगा कि बैठ के माइक आपको बोलना पड़ेगा शायद। वही अब बुलाना चाहूंगा अनेका टीम के अभिषेक, अनेका कृष्णा जी लगातार हर में शामिल है और ये पहले मैच में और एक ही नहीं दो मैच और मैच दूसरे में सम्मानित करेंगे हमारे शोभाकांत पांडे। आइए जैसे जैसे नाम मैं कहता चलो लाइन, और जगह नहीं है, बीच में जगह नहीं है, पीछे तो हाथ जाइए, हम ऐसे मिल गए पूरी तरीके से, लग रहा है कि ये गंगा जमुना जो है ना पूरी तरीके से यही पे है। चलिए
सुनील रहना विजय शाह। तो उन्होंने जो कैच लगा ऐसा लगा कि सर को झुका रहे हैं, लेकिन कैसे वो कैच हाथ में चिपका इस वक्त वाले रहे विजय ठाकुर। विजय ठाकुर जी विजय साहब ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन विजय ठाकुर जी नीचे हैं। और लाल मोहम्मद रॉय आज इंजर्ड हुए हैं, पट्टी लगवा कर आए हैं। बहुत बेहतरीन शुरुआत इन्होंने दिलवाई थी, 27 रन की पारी रही। आकाश शाह, आकाश रंजन साहब अभी आएंगे, जबरदस्त ऑलराउंडर। आज उन्होंने एक बार फिर से कमाल किया अपनी टीम के लिए। अजय कापर हाइट कम, आज कैच उन्होंने जबरदस्त लगा, पिछले मैच की तरह कैच को ड्रॉप के लिए गया। हालांकि इससे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जीवनदान पाने वाले खिलाड़ी भी हैं, रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं, 9 जीवनदान एक खिलाड़ी को मिला है, वो अजय कापर। तो बधाई के 50 रन में कृष्णा पासवान आगे आए, जल्दी जल्दी लाइन इतना जगह दे दे। कृष्णा पासवान, विवेक पासवान, कृष्णा पासवान दोनों भाई है, और विवेक छोटे हैं, कृष्णा बड़े हैं, प्रदर्शन में दोनों साथ खेलते हैं। और इस टीम में 2 बंधु जोड़ी रही है, एक अमित ठाकुर और विजय ठाकुर, और कृष्णा और विवेक। चलिए ऋतिक पासवान, ऋतिक पासवान जगह दे दे अमित ठाकुर जी, ये विजय ठाकुर के बड़े भाई हैं। और लगभग अब इनके उम्र के साथ साथ देखा जाए तो ये आखिरी टूर्नामेंट उनके भी, क्योंकि मंजय राव तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि अपने कप्तानी से अब अभी, लेकिन टीम नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे कि अभी रहने दीजिए। और अमित ठाकुर जी जल्दी आए, साथ ही साथ सरोज यादव आप भी जल्दी से आ जाए। अभिषेक कापर युवा खिलाड़ी भी कह सकते हैं कि क्रिकेट के एक फ्यूचर ऑफ द क्रिकेट मास्टरी, एक मैच में 4 विकेट जबरदस्त उनका रहा। वही राजीव सदा, एक मैच में उन्हें भी मौका मिला और बेहतरीन उनका भी प्रदर्शन रहा। राजेश राजेश शाह, हालांकि प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए, लेकिन एक 12वें खिलाड़ी 15वें खिलाड़ी को उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाए, और हर मैच में उन्होंने टीम के लिए कभी पानी लेकर कभी जरूरत के सामान लेकर टीम तक पहुंचते रहे हैं। तो इस वक्त सोनू यादव टीम सपोर्टर के लिए सुनील रैना अपना मेडल उन्हें दे रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू यादव प्लेइंग 11 में भी थे, लेकिन वो 15 में थे। अब आइए उन लिस्टों को ताली हो जाए। मुकाबले में 4 विकेट दिया था, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, जो नाता भी हो गया इस युवा के लिए। और इनका भी अगर हम बात करें तो इनके विचार आता है, हजार युवा है और ये मादरी आज जबरदस्त कैच पकड़ा, कैच उन्होंने पकड़ा और बेहतरीन अंदाजों में ताली हो जाए। इनकी भी हाइट का मुकाबला ज्यादा है, जिस तरह से मोहतरी के टीम ने इन्हें चांस दिया है, सोलह ताली हो जाए देने के लिए। राजेश शाह के सुपुत्र है,
तेन लग ली और अब इस चलिए अगला साल चलते वाड़ा अध्यक्ष टीम को जैकेट से सम्मानित किए थे। एक बार फिर से तारीफ हो जाएगी के लिए और गंगा जी के साहब को आप आगे आएंगे और उनके हाथों से और तो पहले तो नाम बिना टीम को श्री सुनील कुमार रांची के द्वारा सौ रुपए मैदान में क्रिकेट को बनाते हैं और निखारते हैं और इनका पूरा साक्षात इनको ही जाता है सारा सिरे और बेदाग टूर्नामेंट चलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और ये सम्मान तो बनता ही है। उसके बाद तो हम लोग हैं संजय राउत जी जो कि स्कोरिंग किए हैं श्री सुनील कुमार राय जी के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और अरे भैया जोरदार ताली हो जाए भैया नारा जोरदार ताली बहुत बहुत शुक्रिया और स्कोरिंग भी किया है सारे उन्होंने दोनों की जिम्मेवारी उनके लिए भी जोरदार ताली बेहतरीन अंपायरिंग करने वाले दोनों अंपायर का स्वागत हो गया। आइए आगे विवेक कोराला और परने कुमार राय जिन्होंने बहुत ही शानदार अंपायरिंग की है और मैंने शुरू में ही जिक्र किया इस बात का कि इस साल जो टूर्नामेंट हुआ पैदा ये झंडा लगा रहा है झंडा सोना ताली और हमारे अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से और ये है क्रिकेट ये है टूर्नामेंट दो दिनों का मेलन है और भाई ताली बजावा ना तू बजावा बहुत ही लाजवाब और सम्मानित हो रहे और भी जो समर्थक है और भी जो ऑडियंस है उनको ये लगेगा अब आगे साल वो भी कोशिश करेंगे बिल्कुल आप आइए हर वर्ष मेले ये जो क्रिकेट का मेला है ये सही के राम विवेक के मजार पर लगी है यह मेला के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले मदन के नाम पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आदरणीय मित्रों ऐसे ही एक पिता है शहीद राम विवेक यादव के पिता इंदु यादव जी को सम्मान करने के लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय मेयर साहब से आग्रह करूंगा कि इंदु यादव जी को आसन ग्रहण करवाकर उन्हें सम्मान करें। आगे आए अगर दिक्कत है तो आप वहीं चले जाए जितने भी लोग जोरदार ताली और ये ताली बनता भी है क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है। मैंने शुरू में ही जिक्र किया इस बात का कि बहुत सारी जगह पे कॉमेंट्री करने गए हैं लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिला जोरदार ताली हो गया मुझे आपके इस साहस को इस जज्बे को सलाम है बीस मीटर का फासला बनाएंगे ये 20 मीटर है ये पीछे हो जाइए बहुत अच्छे हैं आप लोग अवार्ड भी दिया
और के दोस्तों ने आपको प्राइज मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है और मंदिर के द्वारा दिया जाएगा वो तो होगा ही, लेकिन आप लोग खाली कर दे और एक लाइन से आप लोग यहाँ से वहां तक लाइन लग जाए। दुर्गम्मा के तमाम खिलाड़ी जल्दी से आ जाइए, तमाम खिलाड़ी आप लोग जल्दी से आ जाइए। फाइनल मुकाबला है, दोनों टीम जबरदस्त मुकाबले खेले हैं तभी जाके फाइनल में पहुंचे। स्टेज पर आएंगे गंगा यादव जी, एक जरूरी सूचना दरबार करके जी, आप और एक बिहारी यादव जी अनिता के और भी प्लेयर को जगह दे दे, जो गुड़गावा के खिलाड़ी है वो सही आ जाए। गुड़गावा के खिलाड़ी आप लोग रवि केश आप अपने तमाम टीम को लेकर यहाँ पहुँचे, आज बहुत बड़ा दिन है और यहाँ विजय ठाकुर कटरा मिले बॉल रोशन 32 रन देता जिसके चार चौका 74 वो चारों का स्ट्राइक अजय का पर रन आउट हुए, विवेक के द्वारा खाता नहीं खोल पाए लाल मोहम्मद कट रोशन बॉल आकाश 27 रन दे दिए दो चौका एक छक्का आकाश रन बनेंगे। सुनील रैना है रविकेश काफी खर्चे रहे थे पिछले ओवर में 15 रन बनाए थे और इस बार फाइनल खेला गया तो फाइनल वॉइनर के बाहर शानदार चार रनों के लिए विक्टर के पोजिशन में शानदार चौका स्कोर पहुंचे 137 रन। सुनील रैना पहुंचाया है इस समय 40 पर 18 गेंदों के फ्लूटी है और वही हर डॉट गेंद पर भी फ्लूटी है। देखा जाए तो विद्या संस्कार स्कूल की तरफ से छह गेंदबाज और इस बार गेंद को हिट किया शानदार छह रनों के लिए और छक्के के साथ ये बात वह स्कोर पहुंचा है इस समय टोटल 143 रन वो पहुंच चुके 46 पर। पहले तो देखा जाए चार गेंदों पर एक बल्लेबाज पवेलियन लौटे दो ही रन बने, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार दो गेंदों पर दो बाउंड्री अभी तक 44 रन एक विकेट रविकेश 143 सुरेश रैना 44 पर इस वक्त सुनील रैना जो सुरेश रैना के फैन है इस वक्त है 46 पर। और इस बार गेंद पर कर बाहर निकले विकेट कीपर के हाथों में वीड में बल्लेबाज 46 पर नवाज लौटे 20 गेंदों से 144 रनों का टारगेट दिया है इस समय बेहतरीन दो छक्के पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर डॉट चार छक्के तीन चौके के साथ बहुत ही जबरदस्त स्कोर कार्ड पे नजर दोहराएंगे और रेडियो सेट से कुछ क्षण के लिए विदा लेंगे। फाइनल मुकाबला 14 वीर शहीद राम क्रिकेट टूर्नामेंट में जो खिला और इस बार गेंद को हवा में खेल रहे थे काफी ऊंचा नीचे मुकेश गेंद को दीपक फिर करते हैं और इस तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया जरूर लगा है छठा झटका हर विकेट के साथ साथ हर डॉट गेंद पर विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल की तरफ से फ्लोटी का इनाम और जबरदस्त विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल भद्या की तरफ से इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइड वाइड के सारे बर्तव स्कोर पहुंचा 133 पांच विकेट पर 19 को दो ओवर में एक रेड बॉल इस बार फिर से हिट किया है गेंद बल्ले में संपर्क नहीं क्रिकेट है यहाँ पर हर गेंद पर क्योंकि छह बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है और इस बार गेंद को हिट किया है हवा में नीचे खिलाड़ी गेंद को कैच करेंगे और रोशन ने शानदार कैच लपका मंजा के परिकांत किया मनीष को मिली है पहली सफलता 17वां विकेट उनके खाते में इस टूर्नामेंट का और रोशन के सेव हाथों में गेंद जाकर पहुंचे। तो इस समय कृष्णा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए गेंद को खेला रन मिलेगा नहीं बल्ले रविकेश आखिरी ओवर लेकर आए हैं जिनके कोठे का ये आखिरी ओवर है पहली गेंद पर रन नहीं इस वक्त सुनील स्ट्राइक को रोटेट करना चाहेंगे तो इस समय कृष्णा पहले गेंद से खाता नहीं खोल पाए रविकेश
और ऑप्शन के बाहर वाइड वाइड के सारे बत्तर वाइड स्कोर पहुंचा 132 रन। एक शक की बात किया जाए 10 वाइड मनीष और मजा हिट करने का प्रयास किया लेकिन स्टंप के बाहर वाइड वाइड के सारे बत्तर वाइड स्कोर पहुंचा 131 रन। एक शक की बात किया जाए तो 9 वाइड 2 नेक बाई 1 नो बॉल टोटल अभी तक 12 एक रन रहे 131 में। अभी यहां से 1.2 ओवर का खेल बाकी है 3 ओवर में। अभी तक देखा जाए तो 16 विकेट ले चुके हैं 17 विकेट लेकर सबसे ऊपर कोई गेंदबाज है वो भी नाम बताऊंगा लेकिन चले गेंदबाज इस बार गेंद को हिट किया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर उस पर मौजूद है जब तक इसको फील्ड करते रन मिलेगा 30 मिनट के बॉल के पक्ष में 1 रन 130 रन 4 विकेट पर सुनील पहुंचे 36 जो कि हमारे स्पॉन्सर है वो कमेंट्री टीम के लिए है पूरी टीम के लिए। चलिए जय हनुमान डेयरी उद्योग और आर एल ट्रेडर चले गेंदबाज इस बार पड़कर बाहर निकली गेंद बीट रहे बल्लेबाज कमाल की गेंदबाजी सुनील जैसे बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाना उन्हें बीट करना ये बड़े गेंदबाजों की बात होती है और मनीष रहे भी है जिस तरीके से उन्होंने इस बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बॉल लगातार फोन कॉल कर रहे हैं तो उनको कहूंगा कि थोड़ा सा कॉल डिस्कनेक्ट करें। अगले गेंद हिट करने का प्रयास क्या बैठा कि फुल टॉस गेंद पर गेंद गए विकेट कीपर के हाथों में आनंद ले रहे हैं और इस बार पूरी तरीके से बीट हुए हाथ में गेंद आई थी और पूरी तरीके से तो इस समय आप कॉल नहीं करेंगे क्योंकि मैं फेसबुक लाइव हूँ तो विकेट के तलाश में चले गेंदबाज और इस बार गेंद को खेला है डांड ग्राउंड के जारी लॉन्गों पर फील्डर मौजूद है रविकेश गेंद को पिक करते हैं तब तक रन मिलेगा 1 रन स्कोर 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 रन खर्च किए 5 गेंदों में आखिरी गेंद 18वें ओवर की कुल स्कोर 122 4 विकेट के नुकसान पर चौथा विश्व इंद्रा विवेक क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले सुनील के लिए गेंद कहां जाके गिर लिया हो सारा मंडल में गेंद को उड़ान कर इतना लंबा शानदार 6 रन और 36 के साथ बनता रहता हुआ स्कोर 128 बहुत अच्छी मोहतरीक भी नहीं रही है इस बार इस गेम को खेला है मिड ऑफ पर बल्डिंग लेकिन 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर 124 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर चल रहा है आखिरी गेंद आना बाकी है सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है लक्ष्य लेने के बराबर है बिल्कुल सही कहा है राजा राम सर पर बाल नहीं और हाथ में गेंद नहीं तो मुस्कुरा रहे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि केश तो गुस्से में होंगे भाई है उनके इस बार इस गेंद को खेला है गेंद पॉइंट पर बैटिंग करेंगे इस बार थोड़ी सी बैटिंग 1 रन और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बनकर हो चला है 121 4 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर चल रहा है और रवि केश काफी नाखुश है आज जिस तरह की कोरिकम्मा की टीम ने का बैटिंग की है वो बहुत फिलहाल चलेंगे इस बार इस गेंद को धीरे से खेला है गेंद जा रही है मिड ऑन के दिशा से लॉन्ग ऑन पर 1 रन पूरा करेंगे और इस 1 रनों के साथ स्कोर बनकर हो चला है 117 4 विकेट के नुकसान पर सबके लगे भी कहीं कुछ रखियो इस बार इस गेंद को ट्राइक कर दिया है शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है बेहतरीन शॉट 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों के साथ अब स्कोर 118 4 विकेट के नुकसान पर चलेंगे नाइना चौपर स्टंप इस बार इस गेंद को उठा दिया है दोनों बल्लेबाज छोड़ गया राजा राम के हाथ में तो बेबी क्विक लगा जाना चाहिए यहाँ पर लेकिन स्पंज के गद्दे की तरह गेंद उछल गई कूद करके बाहर निकल गई और इस तरह से 2 रन मिल गए हैं 4 विकेट के नुकसान पर अब रन पर अंकुश लगता नजर आ रहा है 17 ओवर चल रहा है 115 रन ही बने हैं 4 विकेट गिरा है तारीफ करने होगी गेंदबाज आकाश की व्हाट अ फैंटास्टिक अभी तक इस ओवर में 2 रन ही खर्च किए हैं इस बार इस गेंद को धीरे से खेला है चर्चे वाले से 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों के साथ 17 ओवर की समाप्ति 116 4 विकेट के नुकसान पर आकाश कमाल की गेंदबाजी जितनी भी तारीफ की जाए अपनी कम 4 ओवर 2 में शंकर पब्लिक स्कूल पदिया के द्वारा इस बार इस गेंद को खेल दिया है गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा से लॉन्ग ऑन पर अच्छा विद्या संस्कार है मंजे के लिए और इस वक्त चलेंगे इस बार बढ़िया गेंद अच्छी गेंदबाजी इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता है
जबरदस्त अंदाजों में। आकाश अपने कोटे का आखिरी ओवर, तीन ओवर अभी तक बेहतरीन। इन्होंने किया तीन ओवर में 11 रन और एक विकेट, सबसे कमाल की गेंदबाजी उन्होंने किया है। चलिए सुनील के लिए। आकाश की इस गेंद को धीरे से खेला है, लेकिन पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं। कुछ बेटर जब गेंद पकड़ते तो मानो जब से मछली पकड़ रहे हो। एक रन 114 बार ये लाजवाब गेंद है। एक सुनील को, आकाश को छोड़ दिया जाए, गेंदबाज आकाश, आकाश आकाश के लिए, और इस बार चारों खाने चित, चारों खाने चित, बड़े आकाश को छोटे आकाश ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। रवि किस टीम के कप्तान है, चलेंगे इसके दौरान पूरा करने का इतना दिशाहीन करो क्या बताओ के रूप में और तो एक बार फिर से करो क्या बॉन्डी है क्या जी नहीं। और इस वक्त देखा जाए तो चार रन आया है क्या, चार रन आप सब करीब खिलाड़ी मौजूद है तीन सबसे धारे में। चलेंगे फिर से रविकेश, रविकेश के इस खेल को धीरे से खेला है, एक रन के लिए निकलेंगे और आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया चहल कदमी करते हुए। इस एक रनों के साथ 109 तीन विकेट के नुकसान पर फिल्म रिलीज अभी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर मानो जैसे धमाल मचा रही है। चलेंगे इस बार इस गेंद को धीरे से खेला है, फॉलो थ्रो में रोकेंगे, रन नहीं मिलेगा। इस वक्त 108 तीन विकेट के नुकसान पर लगातार चौका चक्का मारने पर रोहित फुल का इनाम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनामों के हर तारीफ हो रही है। जब आधार पर कमेंटर टीम को क्या मिल रहा है देखना ये भी होगा। चलेगा द्वार एक बार फिर से, और इतवार गेंद को खेला है स्टॉक के साथ ही दौर पर है, रन मिलेगा एक रन तेजी के साथ रविकेश गेंद को फिर करते तब तक इस पर पहुंचा 98 रन तीन विकेट पर। 15वें ओवर की हुई है समाप्ति, इस समय 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बहुत बहुत शुक्रिया। आगाजे मोहब्बत है रोता है क्या, आगे आगे देखोता है क्या। पहले तो 13 था अब प्रेम बाबा आया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल रविकेश आए हैं, रविकेश के गेंद को ड्राइव कर दिया है, तीन जारी रन बोली लगी शानदार और गेंद निकल जाएगी शानदार चार रनों के लिए। रोशन के दोनों पैर के बीच से ऐसे गेंद निकल गई मानो जैसे मछली जाल से निकल गई हो। आकाश रंजन की बात करें तो 11 गेंदों से 16 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का लगाए, दोनों तरफ से फायरिंग। गेंदबाज ने इस गेंद को उठाया है और गेंद निकल जाएगी सीधा बैक उसका निकालने के ऊपर से शानदार छह रनों के लिए बेहतरीन 14 ओवर ने राजा रानी पर फिर से। और इस बार गेंद को धीरे से खेला पॉइंट पर जब तक खिलाड़ी विशाल गेंद को फिर करते रन मिलेगा एक रन सिंगल के साथ ही 12 स्कोर पहुंचा 97 तीन विकेट पर 14/5 ओवर में। इस ओवर में अभी तक 11 रन है और सुनील रैना तो मुहतरी जिला में कह सकते हैं जहां भी गए हैं बड़े बड़े हिट लगाए हैं। चले गेंदबाज राजा राम 22 रन खर्च किया अभी तक और इस बार भी गेंद कीपर के हाथ में जाकर समाई गेंद मीट में चौथी गेंद पर कोई रन नहीं अभी तक। और इस बार गेंद को निशा दिया लेकिन स्लिप में क्या शॉप हुआ, इस बार मौका मिला था चौके की बारी छक्के की बारी से। इस समय अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 छक्का लगा है, चौके की बात किया जाए तो कुल मिलाकर अभी तक जो चौका लगा है 4 चौके लगाए विजय ठाकुर, 2 चौके लाल मोहम्मद और 1 चौका सुरेंद्र रैना, तो 7 चौके और अभी तक 3 छक्का लगा है। चले गेंदबाज और गेंदबाजी मौके पर है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, वेलकम और स्वागत करना चाहूंगा सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का जो कि इस वक्त हुए जो अमर विद्वान चौरान सोचा मेगा के साथ साथ आज सभी राजा फेसबुक पेज पर, संजय राउत फेसबुक पेज पर और बहुत सारे ऐसे टिकटॉक पेज पर भी हमें आप सुन रहे हैं। मनीष के सामने विजय ठाकुर 38 गेंदे 25 रन 3 चौका एक बार फिर से और ऑप्शन के बाहर पर घर बाहर निकले गए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो इस वक्त फाइनल मुकाबला ग्रैंड फिनाले और सेमी फाइनल में जो प्रदर्शन किया था रथवारा के खिलाड़ियों ने कब
पहचान होती है बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करना। सेमीफाइनल में चार ओवर में चार विकेट और मात्र 37 गेंदों से 43 रन 7 चौके 1 छक्का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है मिस्टर विजय ठाकुर को। बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामना करते हैं कि आपका यही प्रदर्शन फाइनल में भी जारी रहे, यही दुआ करते हुए आपसे थैंक चाहेंगे। आज हर फॉर्मेट में चाहे एक कैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पे छाए रहे हैं, लॉन्ग ऑन हो, शॉर्ट हो, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, मिस्टर विजय ठाकुर आइए। लगातार आउट ऑफ फॉर्म, हर मैच में कभी जीरो कभी एक जीरो, और लगातार आप बीट हो रहे थे इस टूर्नामेंट में और आज सेमीफाइनल मुकाबला, क्या इरादा कर आए थे? पहले धन्यवाद सबको जितने भी दर्शक आए थे यहाँ पे देखने, और उसके साथ साथ आप दोनों को भी, एम्पायर साहब को भी धन्यवाद। और आज तो मुझे पता था मैं अच्छा खेलूँगा, मुझे विश्वास था, पहले मैच से पहले भी विश्वास था मैं अच्छा खेलूँगा। विजय, जब शुरू में आज मैं पूछा था, आप हमारे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, यहाँ सब लोग जानते हैं कि आज ये छात्र के बड़े प्रिय खिलाड़ी हैं विजय, तो मैं आपसे पूछा था कि आज क्या चलोगे, बड़े दुखी मन से मैंने पूछा था, आपने कहा देखिए क्या होता है, और आपने ऐसा दिखाया जो देखते ही रह गए लोग, जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, आखिरकार सेमीफाइनल में ही फॉर्म में आना था क्या? अब क्या बोले, मतलब हो गया तो क्या करें। पहले इस साल तो आपके बल्लेबाजी में निखार कम, पहले गेंदबाजी में निखार इतना आया, किस क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे पहले तो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो आप मैच में अच्छा करेंगे। इसमें भी नहीं आता है, झूठ बोल रहा है। मैं आता हूँ, कभी कभी आता हूँ, ज्यादा नहीं आता हूँ। इस बार गेंद जो आप लाइन पर डाल रहे हैं उसकी वजह क्या हो सकती है? पिछले साल आप उस लाइन पर गेंदबाजी नहीं डाल रहे थे जिस लाइन पर इस साल डाल रहे हैं, खासतौर पर फुल लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके लिए आपने क्या किया है? मतलब ऐसा होता है, मतलब बैट्समैन को देखकर बॉल डालना पड़ता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब गुड लेंथ पर बॉल डाले, बैट्समैन को देखकर बॉल डालना पड़ता है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है फॉर्म में, लेकिन आप फाइनल के लिए क्या रहेगा आपके लिए? फाइनल के लिए बस ट्राई करेंगे, अच्छा करेंगे, इससे भी अच्छा। विजय जी फाइनल के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन वाकई में इरशाद आपने जिन्हें पसंद किया है, मैथिली में यहाँ बात करब, की हाल चाल छी अहाँके? जी रहल छी अहाँ सबके कृपा से। आज अहाँके टीम जीत गेल छै, की कहबै? चलो मैथिली में आप बोलिएगा, क्योंकि मुझे मैथिली बोलने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैं मैथिली में वीक हूँ, इसलिए आपकी टीम जीती है। आज तो आपको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में जो रन बने थे, क्या इसलिए आप शॉर्ट गेंद डाल दिए कि कुछ रन बने, कुछ इंटरटेनमेंट हो दर्शकों का, या फिर उतना रन चला गया? नहीं नहीं, ये गलत बात है, हम डॉट रैली करे चाहे, लेकिन हमारा बॉल पर खास कर कैच छूटबे करी, से भेलिए कैच छूट रही बाउंड्री जाइत रही, नतीजा ठिकरा इन्होंने सही तरीके से फोड़ा है कि भाई मैंने कोशिश तो अच्छी की थी कि शॉर्ट गेंद पर फंसाना है बल्लेबाज को, और कैच छोड़ेंगे तो फिर हमें क्या होगा, रन तो पड़ेगा ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज्यादा आप बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, मुंह से बल्ला से ज्यादा बोलते हैं, आज बोलने का मौका मिला नहीं है। आइए अब उस शख्सियत को बुलाने की कोशिश, गेंदे बाकी है, चौका छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या जहन में था कि 12 ओवर से पहले मैच जीतना है? जी रूपेश जी ने बोल दिया था ना, जो भविष्यवाणी किया था कि हमारा टीम 12 ओवर में जीतेगा, हम उसी को ट्राई करने चले गए और हो गया। बहुत खूब भाई, टीम मैनेजर के जो बात रही उनकी भविष्यवाणी रही वो सही साबित करने के लिए इन्होंने 20 गेंदों से जबरदस्त 6 चौके 1 छक्के लगाकर 30 प्लस रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे। लेकिन आज जो शुरुआती क्षणों में विजय अजय की जोड़ी आई, अजय लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन ओपन में वो लगातार मौका दे रहे थे, फाइनल में अगर इस तरीके से शुरुआत होगा तो कैसी तैयारी कर रहे हैं फाइनल के लिए, और क्या शुरुआत होगा, क्या बल्लेबाजी ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि आप भी कई मैच में ओपन करने के लिए आए और 91 रन की साझेदारी भी करने में कामयाब रहे थे पहले विकेट। फाइनल मुकाबला अगर देखा जाए, जो दो टीम है बेलगम्मा और रतवारा, अगर दोनों में से अगर कोई भी टीम आती है, मुकाबला आसान नहीं होगा आपके लिए। टीम के हिसाब से अपना टीम बना कर रखेंगे और ज्यादातर चाहेंगे कि सेम टीम खेले,
ज्यादातर टीम में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहेंगे, सेम टीम खेलेंगे। इरशाद आप भी कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम बंजय आज तो फाइनल में पहुंच चुके हैं। खुशी इतनी ज्यादा है कि सुनील रैना के लिए नागिन डांस कर रहे थे वीन पर और बाकी लोग ढोल पे कूद रहे थे, मैं देखा हूँ। तो खैर ये तो उनके डांस की बात है कि वो म्यूजिक पे भी चल रहे थे, उन्हें भी बुलाएंगे। लेकिन बहुत बहुत पहले मेरी तरफ से दिल मुबारकबाद हो फाइनल पहुंचने के लिए। फॉर्म में आए नहीं, आए नहीं, और आए तो सूद और मूड के साथ। क्या सोच कर आज बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या ठाने थे आप? हम यही सोच के गए थे कि विजय को साथ देंगे और मैच को अंत तक लेकर जाएंगे। आप भी फॉर्म में वापस आए, विजय भी फॉर्म में वापस आए, दोनों मिलकर के सोचे थे क्या कि फॉर्म में आना है तो दोनों एक ही दिन? सभी आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को यही उम्मीद रहते कि अगले मैच में अच्छा खेले, अगले मैच में अच्छा खेले, जो आज सब अच्छा खेल रहा है। पहले दो था जो अच्छा खेल रहा था, वो दो अच्छा फिर खेल रहा है, तो फाइनल के लिए अच्छा रहेगा टीम के लिए। मंजर आप अपने प्रदर्शन से कितने खुश हैं? ये बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया, विनिंग टीम कप्तान, जोरदार ताली हो जाए। और आज के जिनके पीछे पूरा मोहतरी पागल रहते हैं, नाम है मिस्टर सुनील कापर उर्फ रैना। आइए, मुझे लगा था कि भाई उनकी बारी आने वाली है, कूद गए एकदम भुसुल्ला में। अरे निकलिए, आइए। आज सुनील जी आओ ना, हम मैथिली में बाजब। सुनील जी, अरे रहा है। गेंदबाजी में अभिषेक पांडे आ जाए आप जल्द से जल्द, क्योंकि साइन करना है आपको। 28 रन बनाए, 28 रन खर्च किया अभिषेक पांडे, 4 ओवर में कोई विकेट नहीं। वही प्रमोद 3 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं। असलम 2 ओवर में 9 रन, कोई विकेट नहीं। समीर 3 ओवर में 29 रन, 1 विकेट था, तो 1 विकेट ले तो हार भी काफी पड़ी। आखिरी ओवर में जबरदस्त तरीके से उन्होंने रन खर्च किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और इस वक्त जो जबरदस्त आज ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है, तो 4 ओवर में 1 मिनट 22 रन, 4 विकेट और 43 रन, जबरदस्त। Let's go.
क्या बात है। बल्ले में कहीं तो लगा था। शॉट का आने के बाद ये मैच को जीता और जीत का पंजा लगाते हुए लगातार दूसरा साल भी दूसरे सीजन में भी अभी जीत रही है पूरी टीम। और इस स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है तो इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हर एक टीम 100 रन बनाएगी जीत में। गए फूल साथ इस बार इसके माय गॉड कैसा खेल गए। हाथ में गई गेंद सुरिंदर गेले गेंद सुरिंदर नहीं पकड़ पाए कहीं और मारना चाह रहे थे कहीं मार गए। विजय ही विजय रही है इस बार इस खेल को खेला है रन नहीं मिलेगा और इस वक्त 12 ओवर की समाप्ति हो गई 43 रनों का कर चुके हैं क्योंकि दूसरा झटका जब लगा था स्कोर उस समय 48 रन खेला है बॉलिंग लाइन के बाहर 6 रन के साथ ही मुकाबले को शानदार तरीके से 8 विकेट से जीत लिया है। बाहर की निश्चित रूप से ये वाइड होगी वाइड के सारे 94 वह सारे चौके ऑफसाइड नहीं और वो बेहतरी बार फिर से गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ड्राइव किया है और पीछे बहुत ही पसंदीदा हमारे खिलाड़ी है मैं तमाम मुकाबले में जिक्र करता हूँ उसकी वजह ये रही है कि पीछे ग्राउंड शॉट बहुत बेहतरीन चलिए चले सुनील की एक गेंद और बहुत जबरदस्त पंच किया है बहुत जबरदस्त पंच मानो जैसे चौके की मोहर लगा दी है चौके के साथ स्कोर हो चुका 92 तो देखना है क्या इसी ओवर में फिनिश होगा या नहीं। सुनील आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इससे पहले 3 ओवर में 10 रन काफी बेहतरीन गेंदबाजी इनके द्वारा हुआ था किफायती गेंदबाजी किए थे और अब अपने कोटे का आखिरी ओवर निकाला है टीम के ओवर से से 12 ओवर लेकर आए आकाश स्ट्राइक पर है क्योंकि अभी तक आकाश 29 रन बनाए 17 गेंदों से बारिश गेंद को धीरे डाउन साइड में ड्राइव कर दिया क्षेत्र रक्षक मौजूद एक रन को नहीं रोक पाएंगे अब जीत के लिए 13 रन।